नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GLCIS परिवार के द्वारा। मैं कामिनी कौशल लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश का भाग 6। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का पार्ट 6। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम लोग मध्य प्रदेश का नदी तंत्र आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मध्य प्रदेश में नदी तंत्र कितने भागों में विभाजित है। दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत सारी एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें लगभग बच्चे जो है गलत ही इसका आंसर जो है टिक करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं इसको बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूंगी, ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, हमारे पास ABCD चार ऑप्शन है, जिसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? सी। देख लीजिए, देखिए दोस्तों, ये रहा आपका मध्य प्रदेश का नदी अपोहा तंत्र। देखिए, ये रहा आपका जो अपोहा तंत्र है, नदी का अपोहा तंत्र मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, जैसे एक नदी बहती है, नदी बहते हुए जाती है, उसी नदी के साथ में और उसकी जो सहायक नदियाँ दाईं ओर से मिलती है या फिर बाईं ओर से मिलेगी, ठीक है, वही क्या होता है उसका अपोहा तंत्र होता है। ठीक है, एक नदी बह रही है, उस नदी में दाईं ओर से भी कुछ नदियाँ मिलती हैं और बाईं ओर से भी कुछ नदियाँ मिलती हैं, वही क्या होता है दोस्तों हमारा अपोहा तंत्र जो है कहलाता है। ठीक है, देखिए, तो देखिए सभी नदियों में यही होता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक दो ही नदियाँ ऐसी है, हर नदी में ही ऐसा ही होता है कि उसका जो अपोहा तंत्र बनता है। देखिए, ये रहा, ये एक नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, इस नदी में कोई नदी इधर से मिलेगी, कोई नदी आपकी इधर से मिलेगी, 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 ठीक है। तो ये जो नदियाँ मिलती है, इसे ही अपवाह तंत्र जो है बेटा कहा जाता है। ठीक है, अपवाह मतलब तो होता है वो बह रहा है पानी, तंत्र मतलब उसके साथ में जुड़ने वाले, ठीक है, जैसे कि श्वसन तंत्र हुआ, उत्सर्जन तंत्र हुआ, जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, हमारे तंत्र मतलब एक ही होता है लेकिन उसके साथ में जुड़े हुए सारे पार्ट्स, ठीक है, वो तो नदी तो एक ही है, प्रवाह नदी का हो रहा है, जल का ही हो रहा है, लेकिन उसके साथ में बहने वाली जो सहायक नदियां हैं वो उसमें मिल जाती है बेटा, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, अपोहा तंत्र इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि जो मध्य प्रदेश में जो अपोहा तंत्र है वो कितने बेटा हमारे 6, कितने बेटा 6 है, ठीक है, जिनको कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में अपोहा तंत्र, पहला है आपका गंगा अपोहा तंत्र, पहला कौन सा बेटा आपका गंगा अपोहा तंत्र, दूसरा है आपका नर्मदा अपोहा तंत्र, तीसरा आपका ताप्ती अपोहा तंत्र, चौथा है आपका गोदावरी माही अपोहा तंत्र, और फिर आपका क्या है बेटा, महानदी अपोहा तंत्र है। ठीक है, ये कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। ठीक है, अब देखिए, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या क्वेरी आ रही है कि मैडम गंगा थोड़ी है, गंगा नदी अपोहा तंत्र नहीं हो सकता है। देखिए, क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बेटे? यमुना है। कौन सी सहायक नदी है? यमुना है। देखिए, और यमुना में जितनी भी नदियाँ मिलती है वो आपके मध्य प्रदेश की सारी नदियाँ ही उसमें जाकर मिलती है। ठीक है, तो ये कहलाएगा कि नहीं हमारा गंगा अपोहा तंत्र बेटा? ठीक है, मुझे पता है कि गंगा नदी कौन सी नदी है हमारी? हिमालय नदी है ना, और जो है इसमें यहाँ पर मध्य प्रदेश में कैसे आएगा? तो वो इसीलिए आएगा बेटा कि जो यमुना है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना में हमारी उत्तरी भारत की सारी नदियाँ, उत्तरी मध्य प्रदेश की सारी नदियाँ यमुना में ही मिलती है, और इसी कारण से जो है ये गंगा अपोहा तंत्र को हम लोग यहाँ पर जो है काउंट इसमें करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे कितने हो गए बेटा अपोहा तंत्र? 6 अपोहा तंत्र हो गए, और ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में, चाहे वो MBBCA का एग्जाम है, चाहे व्यापम का कोई सा भी एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम है, ये क्वेश्चन जो है आपका मध्य प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, देखिए दोस्तों, ये आपकी उत्तर में बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, ये आपके पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं, और ये आपके इधर है जो सोन जोहिला महान, ये आपकी पूर्वी नदियाँ हैं, और ये दक्षिण। बेटा, मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि कितनी बार आपसे जो है डायरेक्शन पूछता है नदियों की, क्या पूछता है आपसे? डायरेक्शन पूछता है कि कौन से डायरेक्शन में कहाँ से नदियाँ निकलती है। देखिए, थोड़ा सा बेटा मैं टाइम लूँगी आप लोगों का, मैं आपको बस हिमालय नदियाँ बता दूँ, हिमालय नदियाँ कौन सी होती। देखिए, ये है, आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ने के लिए, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो हम लोग जो है क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए,
ये मैंने आपका इंडिया बनाने की कोशिश करी, इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन अपने को बस कॉन्सेप्ट समझना। देखिए ये है आपका क्या है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख भी इसी में आ गया, पीओके पाकिस्तान सभी यहाँ में इसी में आ गया, ठीक है। तो बेटा ये ऊपरी क्षेत्र में जो बहने वाले, जहाँ से हिमालय का जो विस्तार है, ये रहा हिमालय का विस्तार आपका, हिमालय जो आपके जो है चार पार्टों में विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ रहेगी आपकी, जो क्या कहलाएगी, हिमालयी नदियाँ कहलाएगी, ठीक है बेटा। जैसे आपकी यहाँ से निकलती सिंधु नदी, सतलज नदी, रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी, जितनी भी नदियाँ निकलती, ये सारी हिमालयी नदियाँ कहलाएगी बेटा, ठीक है। और जो ये रहा आपका मध्य प्रदेश, मतलब उत्तरी मैदान के बाद में और दक्षिण से निकलने वाली सारी नदियाँ बेटा प्रायद्वीपी नदियाँ होती। कैसी नदियाँ होती है, उत्तरी मैदान के बाद में दक्षिण से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ होगी वो प्रायद्वीपी नदियाँ आपकी कहलाएगी, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट था यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए अब उत्तर की तरफ जो प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं वो देखिए। अब ये रहा आपका जो है ये आपका रहा मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपका मध्य प्रदेश, तो ये जो भाग है बेटा ये उत्तरी भाग, उत्तरी में जो बहने वाली नदियाँ, उत्तर की तरफ जो बहने वाली नदियाँ, ये जो नदियाँ देखिए उत्तर की तरफ आपकी चंबल, शिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन और टोंस, ये नदियाँ आपकी उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। कहाँ पर बेटा, उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ है चंबल, शिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, ये, ठीक है। उसके बाद जो पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियाँ आपकी है सोन जोहिला और महान जो नदियाँ, ये आप कहाँ पूर्व में प्रवाहित होती है, ठीक है। दूसरा है दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियाँ आपकी जो है वैनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता और कान्हन जो नदियाँ, ये आपकी कहाँ प्रवाहित होती है बेटा, दक्षिण में प्रवाहित होती है। उसके बाद जो पश्चिमी भाग में प्रवाहित होने वाली थी आपकी जो है नर्मदा और ताप्ती, कौन सी बेटा, नर्मदा और जो है आपकी ताप्ती, ठीक है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इनोवेटिव लेकर आई हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आए देखने में भी। और क्या होता है कितनी बार कि कुछ चीज़ें ऐसी होती बेटा जिनको हम लोग पिक्चराइज करके अगर देख लेते हैं तो बहुत जल्दी वो चीज़ें याद हो जाती है। मतलब मेरे केस में तो यही है कि मुझे अगर कोई याद नहीं हो रहा है कोई सा डेटा तो मैं उसकी पिक्चर इमेजिनेशन कर लेती हूँ, वो मुझे याद हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोगों को मूवी 3 आवर्स की जो मूवी है उसकी स्टोरी 10 मिनट्स में हम लोग बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है पिक्चर दिख भी रही है, जो हम लोग सुन रहे हैं वो हमको दिख भी रहा है वैसा, इसलिए हमको वो याद हो जाती है, मज़ा भी आता है। उसी तरीके से जो हम पढ़ते हैं उसके अगर विजुअलाइजेशन अगर कर लें, उसको अगर हम देख लें तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से हमको याद हो जाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा ये रहा आपका, ये आपकी नदी तंत्र रही। देखिए अभी मैंने आपको उत्तरी, पूर्व और पश्चिम की नदियाँ बताई कि कौन कौन सी नदी कहाँ पर जो बहती है, ठीक है। अब देख लीजिए ये रहा आपका चंबल नदी तंत्र। चंबल जो है बेटा आपका यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। चंबल नदी तंत्र जो है आपका ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। देखिए ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये माही नदी आपकी, ठीक है। माही नदी ये रही, माही नदी यहाँ से निकलती, माही नदी आपकी। उसके बाद ये नर्मदा नदी तंत्र है आपका, ये ताप्ती नदी तंत्र है आपका, ये वैनगंगा नदी तंत्र है, ठीक है। वैनगंगा नदी तंत्र ये देखिए बेटा आपको इवन अगर आपको जैसे अगर आपने ये जो पिक्चर देखी है ना, क्वेश्चन इनकेस अगर ऐसा आ जाता है नदियों से रिलेटेड कि किधर फ्लो होती है या कहाँ पर है मध्य प्रदेश में जो स्थिति, तो इस मैप के द्वारा आप लोग जो है इसको नहीं भी आएगा तो ये मैप आपको याद रहेगा, तो आपको पता है कि नर्मदा बीच में मैडम ने बताई थी, इधर चंबल थी, उधर एंड में माही थी, ऐसा, ठीक है। तो ये रहा आपका केन दसान नदी तंत्र, ये रहा। उसके बाद सिंधु नदी तंत्र, ये रहा आपका सिंधु नदी तंत्र, ये बेतवा नदी तंत्र आपका, ये टोंस नदी तंत्र है, ये सोन नदी तंत्र है, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा इमेजिनरी फॉर्म था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बेटा। चलिए अब आगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या क्वेश्चन पूछा बेटा कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है। ABCD हमारे पास 4 ऑप्शन है। ABCD में से जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए, जो है राइट आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है आपकी यह मध्य प्रदेश की सबसे जो है बड़ी नदी, लंबी नदी है, ठीक है, लंबी नदी है। देख लीजिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए नर्मदा नदी का शाब्दिक अर्थ होता है खुशी का दाता। खुशी का क्या होता है, दाता, ठीक है। जिसे रिवर ऑफ प्लेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे बेटा, रिवर ऑफ प्लेज इसको बोला जाता है। नदी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में बहुत सारी एग्जाम आप लोगों ने दी होगी जिससे आपने जो है पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ इसमें, क्योंकि देखिए
मेरा इंटेंशन ये होता है बेटा कि किसी भी क्वेश्चन को, जैसे अगर आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोगों को अगर मैंने कोई सा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, तो मेरा इंटेंशन ये होता है कि मैं एक ही मतलब क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, इस क्वेश्चन में आपका उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेरीज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये मेरी कोशिश रहती है बेटा, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जो व्याख्या लेकर आती हूँ, ठीक है। आप ही लोगों के सजेशंस थे, कमेंट थे कि मैम आप ऐसे जो डिस्क्रिप्शन प्लीज़ लिख कर लेकर आइए, क्योंकि जो ओरली आप बोलते हैं वो हम लोग लिख नहीं पाते, दैट्स वाई मैं ये लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, नर्मदा जो नदी है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता बेटा, खुशी का दाता है ना, रिवर ऑफ प्लेज। नर्मदा का जो वन है वो कौन, मतलब जो नर्मदा नदी जिसमें विराजमान है वो कौन सा, मगरमच्छ जो आपका क्रोकोडाइल होता है उस पर, उसके ऊपर जो है माँ नर्मदा विराजमान है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा इसको, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। इसके पहले थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको मैप बताया था, उस मैप में जो नर्मदा नदी तंत्र था बिल्कुल सेंटर में था, इसीलिए बीच की जो रेखा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, जीवन रेखा बोला जाता है, है ना, है ना। इसको गुजरात की भी जीवन रेखा कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गुजरात की भी, क्योंकि बेटा ये क्या करती है, गुजरात में भी जो है प्रवाहित होती है ना, 161 किलोमीटर जो है इसकी जो डिस्टेंस है आपके आपके गुजरात में भी है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, भारत का हृदय रेखा, मतलब इसकी जो कुल लंबाई वो कितनी है आपकी, 13-12 किलोमीटर है। कितनी है कुल लंबाई, टोटल जो फ्लो इसका होता है, मतलब अमरकंटक से बहते हुए जो कि गुजरात की केम्ब की खाड़ी में जब ये मिल जाती है, यहाँ जहाँ इसका अवसान हो जाता है, इसकी समाप्ति जहाँ हो जाती है, वो टोटल जो डिस्टेंस है आपके बेटा 13-12 किलोमीटर है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में आपकी कितनी बेटा, 10-77, है ना, 10-77 आपके जो है मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। और प्राचीन नाम, प्राचीन नाम इसका क्या आपका, रेवा, है ना, रेवा, और जो है आपका कुंडलीसा, नमोदास, शंकरी, विंध्याचल, सतपुड़ा, मेघा श्रेणी में विद्यमान है ना। भ्रंश घाटी में का निर्माण करती, किसका निर्माण करती बेटा, भ्रंश घाटी का निर्माण करती। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि विंध्याचल रेंज, ये रही आपकी विंध्याचल रेंज, नीचे रही आपकी सतपुड़ा रेंज, और यहाँ से आपकी जो है माँ नर्मदा, नर्मदा जो है वो क्या होती बेटा, प्रवाहित होती है, तो ये भ्रंश घाटियों में बहती है, क्योंकि दोनों तरफ ही क्या है आपकी, दोनों ही तरफ पर्वत श्रेणियाँ हैं, उन पर्वत श्रेणियों में बहती है, इसीलिए इसको जो है भ्रंश घाटी इसको बोला गया है, ठीक है। इसको एक और क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर एक और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ नर्मदा जी के बारे में। देखिए नर्मदा जी के बारे में जो है आपका जो टालमी है, टालमी ने इनको जो नाम दिया है वो नमोदास जो है नाम दिया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, नर्मदा का। और देखिए एक और इसको जो मेकाल सुता भी इसको बोला जाता है, नर्मदा नदी को मेकाल सुता भी बोला जाता है। तो मेकाल सुता बोलने का कारण क्या है, देखिए ये रहा आपका सतपुड़ा जो रहा, सतपुड़ा निमाड़ी क्षेत्र जो रहा, ठीक है, यहाँ पर आपका मैंने बताया था मेकाल पर्वत है आपका, ये मेकाल पर्वत है ना। सूता मतलब क्या होता है, मेकाल सूता, सूता मतलब होता है पुत्री, सूता मतलब पुत्री, तो उसी पर्वत से, मेकाल पर्वत से वो निकली हुई है, ठीक है। तो उसको उनको पिता माना गया, जिस पर्वत से वो निकली उसको पिता माना गया, तो वो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, मेकाल सूता बोला जाता है, क्योंकि मेकाल पर्वत से मतलब उनकी गोदी में से ही निकली हुई है वो, इसलिए, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है नर्मदा नदी के बारे में डिस्क्रिप्शन, आई होप कि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए इसमें जो ये जो आपकी नर्मदा नदी है, ये जो है आपकी, देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जो है गुजरात, यहाँ पर प्रवाहित होती, कहाँ पर होती बेटा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और आपकी जो है गुजरात में, तो महाराष्ट्र में सबसे कम प्रवाहित होती, मतलब ओनली 74 किलोमीटर जो है आपकी यहाँ पर प्रवाहित होती, कहाँ पर बेटा, महाराष्ट्र में। और आपकी जो गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में बेटा 161 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में आपकी है 10-77, ठीक है, ये है इसकी जो है मतलब पूरे डिस्टेंस है मध्य प्रदेश की, सिर्फ मध्य प्रदेश की है डिस्टेंस है ये, महाराष्ट्र की 74 और गुजरात की 161 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो नदी जो बहती है ये कौन से प्रणाली, वृक्षा प्रणाली के इसमें बहती है, वृक्षा प्रणाली मतलब जैसे कि ये आपकी नदी रही, ये आपकी क्या रही बेटा, नदी रही, ठीक है, ये नदी रही आपकी, इस नदी में कोई नदी इधर से मिली, इधर से मिली, इधर से मिली, इधर से मिली, ऐसी मतलब आपकी जो नर्मदा जो नदी है इसकी जो है 41 सहायक नदियाँ हैं, कितनी बेटा, 41 जो है आपकी मध्य प्रदेश की जो है इसकी नर्मदा की जो है सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद जो है कि शतपथ ब्राह्मण में भी जो है नर्मदा जी का जो है उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अगर नर्मदा जी में आपको पढ़ाऊँ ना, लिटरली बता रही हूँ, मुझे 3 घंटे चाहिए सिर्फ नर्मदा जी को अकेले पढ़ाने के लिए, क्योंकि नर्मदा जी का विस्तार ही इतना ज़्यादा है बेटा। लेकिन अभी हमको सिर्फ क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन के इससे ही आधार, जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसी के आधार पर ही आपको बस समझाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
देखिए मैंने थोड़ा सा और इसको अब अच्छा करने के लिए, कि विजुलाइजेशन करने के लिए, मैं आप लोगों के लिए जो ये मैप लेकर आई हूँ, आप लोग थोड़ा सा देखिए। मैंने आपको बताया था कि जो नर्मदा जी है ये कहाँ से निकलती है, आपके अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक ये रहा, इस अमरकंटक से निकलते हुए देखिए जबलपुर में प्रवाहित होती है। जबलपुर में आपने देखा ना भेड़ाघाट, भेड़ाघाट जहाँ पे धुआंधार जलप्रपात आपका बनता है। जलप्रपात भी ऐसे ही लेकर आऊँगी मैं आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो है माँ नर्मदा प्रवाहित हो रही है, ऐसे प्रवाहित होती है, जाएगी जबलपुर में। जबलपुर में आपका जो है भेड़ाघाट, भेड़ाघाट में जो है आपका धुआंधार जलप्रपात बनता है जो कि बहुत ही फेमस होता है। और जब बारिश का जो सीज़न आता है, जब नर्मदा जी का पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो ये बहुत ही देखने लायक जो सुंदर दृश्य होता है। फिर यहाँ से आपकी जो नर्मदा जी जाएगी जाएगी आगे ओंकारेश्वर, फिर मतलब भोपाल तो काफ़ी दूर रह जाता है, ओंकारेश्वर महेश्वर जो है, फिर आपका बड़वानी भी आ गया, फिर ये आपका गुजरात में प्रवेश कर गई यहाँ पे, फिर यहाँ से लेके ये कैंप की खाड़ी में माँ नर्मदा जो है आवसन इनका हो जाता है, इनकी समाप्ति यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। चलिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा बेटा, ये देख के समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए चंबल नदी कहाँ से निकलती है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, ए बी सी डी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। तो आपका जो है राइट आंसर होगा, आप लोगों ने आई थिंक गैस कर लिया होगा कि राइट आंसर क्या होगा। तो पहला जो है आपका जाना पाओ पहाड़ी, ये क्या होगा आपका बेटा, राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। देखिए आप लोगों को इसकी थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगी मैं आप लोगों को कि जाना पाओ याद कैसे रखना है, क्योंकि क्या होता है कितनी बार हम लोगों को जो है ये पता ही नहीं होता है कि इसको याद कैसे करें, जाना पाओ पहाड़ी याद ही नहीं होती। देखिए ये रही आपकी जाना पाओ पहाड़ी, ठीक है। अब देखिए चंबल नदी मतलब हम लोगों ने पहले पुरानी पिक्चरों से देखा कि चंबल क्षेत्र मतलब डाकुओं का क्षेत्र, चंबल मतलब चंबल के डाकू, ठीक है। बहुत सारी मूवीज़ हम लोगों ने देखी है जिसमें हम लोगों ने डाकू वाली जो मूवी हम लोगों ने देखी है, ठीक है। तो अब वहाँ पर अगर डाकू लोग रहेंगे तो क्या आप जा पाएंगे क्या, डाकुओं के पास तो सब रहता है मारने के लिए, है ना। जैसे उनको लगा कि कोई दूसरा हमको आया है यहाँ पर हमारे क्षेत्र में आया, तो ये लोग तो बढ़ जाते हैं मारने के लिए। तो भैया ऐसी जगह पर आप जा पाओगे क्या, नहीं जा पाएंगे। तो जाना पाओ जा नहीं पाएंगे हम लोग वहाँ पर, तो याद रखना चंबल के डाकू रहेंगे तो हम जा नहीं पाएंगे, समझ गए। तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है बेटा, जाना पाव पहाड़ी से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है बेटा, जाना पाव पहाड़ी से होता है, धार से, ठीक है। चलिए इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करके समझा देती हूँ। देखिए बेटा ये आपकी जो ये चंबल नदी की थोड़ी सी व्याख्या है, देख लीजिए। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की दूसरे सबसे बड़ी नदी, मतलब पहली नदी कौन सी होगी हमारी, नर्मदा, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। अब ये रहा आपका जो है चंबल नदी। तो चंबल नदी बेटा जो ये आपको बता रहा है कि ये आपकी कौन सी नदी, दूसरी सबसे बड़ी जो है आपकी नदी, और कहाँ से निकलती बेटा ये आपकी, आपके जानापाव पहाड़ी से जो नदी आपकी निकलती है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी, देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी एक पिकअप हो गया हमारा कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो दूसरी सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी बेटा, चंबल नदी है, ठीक है। देखिए भागवत और महापुराण के, महापुराण मार्कंडेय, वायु ब्राह्मण मत्स्य पुराण, चर्मावती कहा गया इसको, क्या कहा गया बेटा, चर्मावती जो है इसको कहा गया, क्या कहा गया, चर्मावती जो है इसको कहा गया है, ठीक है, कहा गया। कालिदास की मेघदूत किताब में उल्लेख है, कालिदास की जो मेघदूत जो किताब है जिसमें उज्जैन का उज्जैनी का वर्णन दिया गया, उसी प्रकार आपकी जो है चंबल नदी का वर्णन भी कालिदास की मेघदूत जो पुस्तक, इस मेघदूत में इन्होंने इसके बारे में चंबल नदी का जो है वर्णन करा है, ठीक है। उसके बाद महाभारत के अनुसार राजा जो रंतिदेव थे, कौन थे, राजा रंतिदेव, किसके अनुसार बेटा, महाभारत के अनुसार राजा रंतिदेव द्वारा अतिथियों के सत्कार के लिए बलिदान की गई गायों के। देखिए क्या होता था कि जब राजा लोग के समय, राजा रजवाड़ी जो लोग होते थे या और भी पुराने समय के जो लोग होते थे, ये जब अतिथि जब आते थे तो उनके यहाँ भैया कुछ स्पेशल बनता है, जैसे आज हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं गेस्ट आते हैं तो हम लोग स्पेशल कुछ बनाते हैं, उसी तरीके से उस समय जब ये राजाओं के टाइम महाभारत के समय जब कुछ होता था तो ये लोग भी कुछ स्पेशल बनाते। तो बेटा ये जो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर ये जो राजा रंतिदेव के द्वारा जो अतिथि आए थे उनके सत्कार के लिए, स्वागत के लिए इन्होंने बेटा गायों की बलि दी थी, किनकी, जो गौ माता होती उनकी बलि दी थी इन्होंने यहाँ पे। और तो गौ माता के जो खून से मतलब गौ माता का जो खून जो बहा, उसी खून से ही चर्मावती का उद्गम हुआ, किसका, आपकी चर्मावती, मतलब इसको जो क्या बोला गया, चर्मावती जो है इसको बोला गया, ठीक है। और कहीं कहीं पर इसे कामधेनु भी बोला गया, किसको, आपकी जो चंबल नदी, इसको कहीं कहीं पर कामधेनु भी इसको बोला गया, ठीक है। चंबल की कुल लंबाई है बेटा 965,
चंबल की टोटल लंबाई कितनी? 965 वर्ग किलोमीटर है, जो कि तीन राज्यों से प्रभावित। देखिए बेटा, जो तीन राज्यों वाला जो कॉन्सेप्ट है, दो राज्यों वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आपके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो उठाते हैं, जो यहीं से ही आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पिकअप करा जाता है, क्योंकि राज्यों से संबंधित, क्योंकि देखिए इन्हीं नदियों पर ही परियोजनाएं बनाई जाती है, और परियोजनाएं जो बनाई जाती है एक राज्य को लाभान्वित करने के लिए कोई परियोजना कभी भी नहीं होती है, हमेशा दो से तीन जो राज्य होते हैं उनको ही लाभान्वित करने के लिए परियोजनाएं बनाई जाती है। तो राज्य आपको जो है महत्वपूर्ण ध्यान रखने हैं, ठीक है। आपके जो तीन राज्यों में बहती है, पहला आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश है ना। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, भिंड मुरैना में लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि को संचित करा जाता है। 5000, क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी जब हम लोगों ने अभी सिंचाई हम लोग जब पढ़ेंगे, तो सिंचाई में जो उत्तरी जो क्षेत्र है आपका, उत्तरी क्षेत्र में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ से उत्तरी जो अपने जिले हैं उनको सिंचित करा जाए। तो आपकी ये जो चंबल जो परियोजना है, चंबल नदी की जो परियोजना, इस नदी के द्वारा ही आपके अधिकतर जो जिले हैं, उत्तरी जो जिले हैं, वो सिंचित किए जाते हैं, ठीक है। देखिए, और देखिए ये नदी क्या होती है, प्रतिवर्ष बीहड़ों में तब्दील हो जाती है। क्यों? बीहड़ बना लेती, बीहड़ मतलब जो पानी जो बहता है, ऐसी घाटियों का निर्माण कर देती जिसमें कि चंबल के डाकू छुप जाते हैं। ऐसी जो है चंबल नदी क्या करती है, बीहड़ों का निर्माण आपकी करती है, ठीक है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश को दो बार प्रवेश करती है, ठीक है, मतलब दो बार क्या करती है, निर्गम करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में ही अकेले दो बार क्या करती है, निर्गम करती है, ठीक है। और जो है चंबल की सहायक नदी कौन सी, बनास जो चंबल की क्या है, एक सहायक नदी है, जो कि संपूर्ण राजस्थान में ही पूरा चक्र कर लेती है। राजस्थान में जो बनास नदी आपकी एकमात्र ऐसी नदी जो पूरा चक्र कहाँ पर ही कवर करती है, आपके जो है राजस्थान में ही कवर करती है, ठीक है। यहाँ पर एकमात्र स्थान है जहाँ पर क्या होता है कि पाँच नदियों का संगम हुआ है। यहाँ पर मतलब जो आपकी ये नदी है आपकी चंबल नदी, चंबल नदी में ही एकमात्र ऐसी नदी जहाँ पर क्या हुआ बेटा, पाँच नदियों का संगम हुआ है, जिसमें कि यमुना, चंबल, कुंवारी, इंदौर, पहुंच नदी मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। यमुना, चंबल, कुंवारी, इंदौर में जो पहुंच नदी वो मिलकर पंचनद बनाती है, और इस पंचनद के संगम पर 8000 ईसा पूर्व बने महाकालेश्वर मंदिर पर साधु संतों का ताता लगा रहता है। किसका ताता लगा रहता है? देखा होगा महाकालेश्वर मंदिर अपना उज्जैन में जो है, यहाँ पर संगम है कौन सा बेटा, 8000 ईसा पूर्व आपका जो है महाकालेश्वर मंदिर बना हुआ है। इसी मंदिर के किनारे आपकी क्षिप्रा नदी बहती है, क्षिप्रा नदी जो बहती है तो क्षिप्रा नदी पर जो है साधु संतों का जो है ताता लगा रहता है, ठीक है। तो महाकालेश्वर मंदिर आपका जो है उज्जैन में है, ठीक है। थोड़ा महाकालेश्वर मंदिर के एग्जैक्टली एकदम ऐसा नहीं कि मंदिर के नीचे नदी प्रवाहित है, मंदिर से थोड़ा सा दूर नदी प्रवाहित होती है, वहीं पर साधु संतों का जो है डेरा। एक और क्वेश्चन यहाँ से पिकअप हो गया कि महाकालेश्वर मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो कौन सी सदी में हुआ था। याद रखना आपको कि 800 ईसा पूर्व आपके महाकालेश्वर मंदिर का जो है निर्माण हुआ। पाँच नदियों का संगम आपके क्षिप्रा नदी में आपको उज्जैनी में हुआ है, जहाँ पर कि ये साधु संतों का जो है दादा लगा रहा था। दूसरा आपका है कि जो बनास नदी है जो राजस्थान में पूरा एक संपूर्ण चक्र जो है बनाती है। चंबल नदी दो बार जो है आपके मध्य प्रदेश में निर्गम करती है ना। तो बेटा देखिए, इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपके नदियों से बनते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये मैं आप लोगों के लिए मैप लेकर आई हूँ कि आई होप आपको समझ में आया। देखिए मेरा इंटेंशन ये रहता है जब भी मैं किसी भी टॉपिक को लेकर आती हूँ कि मैंने मतलब जो आपको टॉपिक भी अगर मैं समझा रही हूँ, इवन मैं MCQs भी आपको करवा रही हूँ, तो आई होप कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया। ऐसा नहीं कि बस MCQs करवा के दिए हैं और उनके बारे में बताया नहीं। अभी मैंने आपको चंबल नदी पढ़ाई, तो चंबल नदी से इतने सारे क्वेश्चन आपके पिकअप हो चुके हैं कि आपको लग रहा हो कि हमने पूरी नदी ही कंप्लीट कर ली है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके, मैंने बताया था आपको कि जो आपकी जो चंबल नदी है आपके, मैंने बताया था कि कहाँ से निकलती है, धार से आपके जो जाना पाओ पहाड़ी आपकी वहाँ से निकलती है, ठीक है। देखिए यहाँ से निकलती है परियोजना जो मैं अभी आपको लेकर नहीं बेटा, परियोजना का टॉपिक अलग से लेकर आऊँ, क्योंकि परियोजना और नदी एक साथ पढ़ने में मज़ा नहीं आता। तो मैं आपको जो है परियोजना वाला टॉपिक अगली बार पढ़ पाए, अभी आप इसे आप लो देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ ये जो है निकल रही। देखिए यहाँ से निकल कर ये गई आपकी नदी, यहाँ से बाहर गई, ये राजस्थान में पहुँच गई, राजस्थान के बाद फिर वापस से मध्य प्रदेश में ही। अभी मैंने बताया कि दो बार निर्गम कर दी चंबल नदी, तो दो बार जो निर्गम कर दी, निर्गम मतलब दो बार, पहली बार तो ये यहाँ से निकली मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में बही थोड़ा सा, फिर वापस से मध्य प्रदेश में आपके आगे। देखिए यहाँ से बही, फिर ये यहाँ पर मिली, फिर यहाँ पर आई। देखिए ये ऐसे करके श्योपुर मुरैना,
और जो आपके यहाँ पर भिंड में, यहाँ पर आपका जो चंबल राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपका चंबल नदी पर, ये राष्ट्रीय उद्यान मैंने पढ़ाया था, ये रहा चंबल नदी के किनारे जहाँ पे जो है आपके घड़ियाल वगैरह के लिए संरक्षण के लिए है, ठीक है। फिर ये नदी जो आपके यमुना में इटावा के पास में, इटावा आपका जो उत्तर प्रदेश इटावा में यमुना नदी में ये मिल जाती है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि यमुना नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदियाँ हैं अपने आपके जो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र की सबसे ज़्यादा नदी, तो चंबल भी काफ़ी बड़ी नदी है जो कि किससे मिलती है आपकी यमुना मिलती है। तो देखिए यहाँ से आपके धार से निकलते हुए इधर जाती है रतलाम मंदसौर, मंदसौर में बहते हुए फिर ये थोड़ा सा इधर मिल जाती है राजस्थान में, फिर वापस आती है इधर, ठीक है, कोटा से होते हुए फिर यहाँ पर बनेगी इधर, ये श्योपुर से सीमा बनाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी यहाँ से बहते हुए भिंड से बहते हुए चंबल राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहते हुए जो है आपके उत्तर प्रदेश इटावा में यूपी में मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण का दूसरा नाम क्या है, स्वर्ण का दूसरा नाम क्या है। देखिए ABCD हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपका जो राइट आंसर होगा बेटा सोन होगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका सोन। देखिए बेटा सोन नदी आपको नाम से ही समझ रहे हैं, सोन मतलब स्वर्ण, सोन मतलब क्या स्वर्ण, स्वर्ण मतलब जो सोना हम लोग पहनते हैं वो, ठीक है, वो वाला सोना। तो सोन नदी का उद्गम आपके मेकाल पर्वत से हुआ है। कहाँ से हुआ बेटा, मेकाल, जहाँ से आपकी नर्मदा, माँ नर्मदा जो निकलती है अमरकंटक पर्वत से, वहीं से ही आपकी जो है सोन नदी अमरकंटक पर्वत से निकलती है ना। ये क्या है, तीसरी सबसे बड़ी नदी, कौन सी बेटा, तीसरे नंबर की। देखिए पहले मैंने आपको बताया कौन सी नदी अपनी, नर्मदा जो हो गई आपकी पहली सबसे बड़ी नदी हो गई, आपकी दूसरी आपकी चंबल नदी हो गई, तीसरे नंबर की आपकी क्या हो गई बेटा सोन नदी हो गई, ठीक है, तीसरे नंबर की आपकी सोन नदी हो गई। इसकी जो लंबाई वो कितनी आपकी जो है 780 उसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है आपकी जोहिला प्रमुख है, जोहिला इसकी क्या बेटा प्रमुख नदी है, जो क्या करती है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दो जोहिला याद रखना है कि जोहिला इसकी प्रमुख नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण मतलब नीचे से निकल के आई है और ऐसे करके इधर बह जाती है, ठीक है। और सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से हम लोगों को पता चला है कि इसकी जो सुनहरी जो रेत है, मतलब जो बालू रेत होती है जो सुनहरी सी है, इसमें सोने के कण पाए गए हैं, इसीलिए इसको जो है सोन नदी, इसका नाम स्वर्ण नदी, सोन नदी इसके लिए इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इसके जो रेत के कण हैं इनमें जो है सोने के कण भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए सोन नदी जो है आपके कितने राज्यों, एक तो मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश और जो है बिहार राज्य में बहती है। बेटा ये जो है ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि कौन कौन से राज्यों में बहती है। तो यह आपके उत्तर प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य में बहती है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सतना, रीवी, मतलब इतने जो है ये जिले इनसे प्रवाहित होती है। और जो उत्तरी में कोयला नदी, कोयला नदी सहायक इसकी है, कोयल नदी जो इसकी क्या है सहायक नदी है। और सोन नदी पर कौन सी परियोजना बनी, बाणसागर, कौन सी परियोजना बनी बेटा, बाणसागर जो परियोजना बनी है जो कि शहडोल में निर्मित है। और वाल्मीकि जी ने रामायण के बालकांड में भी सोन नदी को क्या कहा, शुभ नदी जो है कहा गया है इस नदी को, ठीक है। तो ये जो है आपका सोन नदी का, बस सोन नदी का इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि सोन नदी जो है तीन आपके जो है तीन राज्यों में प्रवाहित होती है, एक आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका उत्तर प्रदेश और जो है बिहार में प्रवाहित होती है। दूसरा इसमें जो कोयल जो नदी वो इसमें, ये कोयल नदी जो है इसकी सहायक नदी उत्तर की तरफ से ये नदी जो है इसमें मिलती है। उसके बाद जो है यहाँ पर बाणसागर जो है परियोजना जो बनी हुई जो कि शहडोल में निर्मित है, ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई जो है 780 इसकी क्या है टोटल लंबाई है। तो यहीं से ही जो क्वेश्चन आपके जो है बेटा पिकअप होते हैं, आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा फिगर लेकर आई हूँ डायग्राम के, आई होप कि आपको जो है इसमें अच्छे से समझ में आए आपको, ठीक है। देखिए अभी बताया था कि मैंने बाणसागर जो परियोजना यहाँ पर बनी हुई है आपकी जो है सोन नदी पर, ये जोहिला, देखिए जोहिला जो है आपकी ये रही जोहिला नदी आपकी रही है, ठीक है। ये सोन नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, सोन कुंड से प्रवाहित होती है एक्चुअल में, तो ये अमरकंटक में जो सोन कुंड है, सोन कुंड से ही आपकी जो है ये नदी निकलती है, ठीक है। देखिए जब मैं सीरियल वाइज चैप्टर वाइज जब नदियाँ लेकर आऊँगी ना, तो ये अभी सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको उस टाइम पे जिला पूछ लें, तहसील पूछ लें, कुंड पूछ लें, नदी पूछ लें, तालाब पूछ लें, हर एक चीज़ बहुत डीपली पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए फिर ये बानस नदी आपकी जो मिलती है, गोपद नदी जो इसके सहायक नदी, रेहंद नदी इसके सहायक नदी है, गोविंद पंत सागर जो है आपका यहीं पर बना हुआ है, ठीक है।
और ये कान्हेर जो नदी इसकी सहायक नदी है, और ये कहाँ मिल जाती है? सीधे बेटा गंगा में जो है मिल जाती है। और एक और क्वेश्चन कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ में आपकी जो है कौन सी नदी है? प्रायद्वीपीय नदी की जो बात करते हो जो कि डायरेक्ट जो है गंगा में मिल जाती, तो वो जो है सोन नदी आपकी है, जो कहाँ मिल जाती है? डायरेक्ट आपके गंगा में मिल जाती है, इसलिए इसको सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी बोली जाती है, क्योंकि डायरेक्ट कहाँ मिल जाती है बेटा? गंगा में ये नदी मिल जाती है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए MPBSC मेंस हमारा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट होने वाली है 23 जून से। आप लोग अधिक जानकारी के लिए हमारी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। क्वेश्चन क्या बेटा हमारा, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? हमारे पास जो है ABCD चार ऑप्शन दिए हैं, तो हमारा जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? मुल्तई। राइट आंसर क्या होगा हमारा? मुल्तई होगा। इसकी मैं आपको एक ट्रिक याद करवा देती हूँ, क्योंकि पता है ये चीज़ें हमको याद नहीं होती, ये चीज़ें हमको याद नहीं होती, तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। देखिए अभी क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो गर्मी में हम लोग क्या करते हैं? ठंडी चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठंडी मतलब बर्फ़ में जाना, बर्फ़ की प्रवृत्ति गर्म ही होती है, बर्फ़ की बात नहीं कर रही मैं आप लोगों से। ठंडा मतलब जो हमको अंदर से ठंडा ही थे, जैसे दही वगैरह हम लोग पीते, छाछ वगैरह सब, है ना? तो उसी तरीके से जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्किन पर क्या आ जाता है, पिंपल वगैरह आ जाते हैं, तो क्या लगाते हैं हम लोग? मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं फेस पे, लगाते हैं मुल्तानी मिट्टी। कब लगाएंगे? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जब बहुत ज़्यादा तपन होगा, तपेगा बहुत ज़्यादा। तो ये ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? मुल्तई से हुआ है। कहाँ से हुआ? मुल्तई। तो याद रखना कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, फेस पे पिंपल आ जाएंगे, तो क्या लगाएंगे? मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं हम लोग फेस पे, ठीक है? तो बेटा ये याद रखना कि ताप्ती नदी का जो उद्गम हुआ है कहाँ से हुआ? मुल्तई से आपका हुआ है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये जो ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये रहा आपका ताप्ती नदी का डिस्क्रिप्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मुल्तानी मिट्टी जो हम कब लगाएंगे? जब बहुत ज़्यादा तपेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है? देखिए महाभारत में कहा गया है कि ताप्ती जो सूर्य भगवान की पुत्री है। ताप्ती क्या बोला गया? भगवान जो सूर्य है, जिनको हम प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, आप लोग भी चढ़ाया करो, बहुत एनर्जी मिलती है उससे, तो उनकी पुत्री है। सूर्य अपने तेज से ताप उत्पन्न करता है। सूर्य जो होता है अपने तेज से, मतलब जो प्रकाश जो निकलता है उससे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट होती है, इसीलिए उनकी पुत्री का नाम भी क्या रख दिया? ताप्ती रख दिया। ताप्ती मतलब जो बहुत गर्म हो, है ना? वैसा विष्णु पुराण में ताप्ती नदी को साहस भदो या भदवा कहा गया है। क्या कहा गया है? साहस भदो या भदवा कहा गया है। एक और अन्य नाम इसका है पयोशनी। क्या नाम है इसका? अन्य नाम क्या है ताप्ती नदी का? पयोशनी। उद्गम इसका बैतूल मुल्तई से हुआ है। कहाँ पर? देखिए आपसे अगर नाम ऐसे बैतूल का पूछ ले, जगह का नाम, तो बैतूल, नहीं तो जो मुल्तई है वहाँ से हुआ है। मध्य प्रदेश के दक्षिण सीमा बनाते हुए बुरहानपुर को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती। क्या करती बेटा? दक्षिणतम सीमा बनाती। दक्षिणतम मतलब ये आपका जो मध्य प्रदेश जो रहा आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश जो आपका रहा, तो मध्य प्रदेश में क्या करती? दक्षिणतम सीमा बनाती। क्या करती ये? यहाँ पे दक्षिणतम सीमा बनाती है आपका, ये जो बुरहानपुर दर्रा जो यहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर दक्षिणतम सीमा बनाते हुए बहती है, और जो है आपके किसको? बुरहानपुर को जो है लगभग दो बराबर भागों में क्या करती? काट देती, बराबर भागों में विभाजित कर देती है, और गुजरात के सूरत के अटलिया वेट द्वीप के पास में खंभात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। कहाँ पर बेटा? खंभात की खाड़ी में जो है आपकी ताप्ती नदी समाहित हो जाती है। कुल लंबाई इसकी कितनी बेटा? 724। कुल लंबाई कितनी इसकी? 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से उठ गया है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी जो महाराष्ट्र के साथ प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? तो ताप्ती नदी है जो है आपके मध्य प्रदेश, आपके महाराष्ट्र के साथ में जो क्या करती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। दूसरा क्वेश्चन ये कि बुरहानपुर को कौन सी ऐसी नदी जो बुरहानपुर को दो भागों में विभाजित करती है? आपकी ताप्ती नदी जो बुरहानपुर को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। ताप्ती नदी का जो तट है रज्जू सेतु यह सुहाली बंदरगाह स्थित है, और सहायक नदी इसकी पूर्णा, गिरना, गुप्ता, उतावली, ये इसकी क्या है? सहायक नदी है। सहायक नदियों से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और आजकल जो पैटर्न आ रहा है, अपडेटेड जो पैटर्न है, अब वो जो कॉमन नदी है उनके बारे में नहीं पूछता है, वो पूछेगा आपसे कि जो शक्कर नदी वो कहाँ से निकलती है, दूधी नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जब चैप्टर वाइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी तो हम इनके बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है बस उसी की जो ज़रूरत चीज़ें हैं वही हमको फुलफिल करना है। तो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया, महाराष्ट्र के साथ प्राकृतिक सीमा बनाएगी, बुरहानपुर को दो भागों में विभाजित कर देगी, 724 जो इसकी लंबाई है,
टोटल लंबाई है, और इसका जो उद्गम जो हुआ है, इसका उद्गम जो हुआ आपके बैतूल के मुलताई से हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए डायग्राम लेकर आई हूँ, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए ये डायग्राम। देखिए परियोजना मैंने आपको डिनाई कर दी कि परियोजना बिल्कुल भी अभी नहीं कराऊंगी, क्योंकि परियोजना अगर मैंने करवा दिया तो पूरा दिन चाहिए मुझे, इसलिए बस शॉर्टली हम लोग उस नदियाँ ही पढ़ेंगे। देखिए ये रही आपकी ताप्ती नदी, ये बुरहानपुर को दो भागों में इसने विभाजित कर दिया। टोटल लंबाई इसकी है 724 है। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी बेटा इसकी 724 है ना। देखिए ये यहाँ से बेहतर है, ये इसका उद्गम रहा आपका मुलताई। देखिए मैंने बता दिया, ये थोड़ा सा जो प्रिंटिंग ऐसा आया है कि ब्लर हो गया है। ठीक है, ये रहा। इसके बाद देखिए इसकी पूर्णा नदी है, सहायक नदी है इसकी। पूर्णा नदी इसकी क्या है बेटा? सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और भी ये अरुणावती जो नदी, ये भी इसकी सहायक नदी जो यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, और जो है इसमें देखिए यहाँ से इसका निकली, और यहाँ पर जो इसका क्या हो गया, सूरत के पास जो है यहाँ पर एक सवाली बंदरगाह, बंदरगाह भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था कि बंदरगाह भी आता है यहाँ पर सूरत में। ठीक है, तो ये आपका जो है नदी के बारे में मैंने थोड़ा सा मैप बनाकर कोशिश करी कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि पिक्चर फॉर्म में थोड़ा सा देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए दोस्तों ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? देखिए ए बी सी डी क्या है हमारे पास? चार ऑप्शन है, ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है। इसकी भी बहुत प्यारी से ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए कुमारगांव, जानापाव, मुलताई या अमरकंटक। देखिए बेतवा नदी के बारे में, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि एक MPPSC के लिए जो बंदे जो होते हैं, कुछ लोग बहुत बहुत जल्दी एक अटेम्प्ट में, दो अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे से क्रैक कर लेते हैं। कुछ होते हैं जिनको टाइम लगता है थोड़ा सा, पढ़ते हैं वो लोग भी उतनी मेहनत करते हैं, तो जो है मतलब काफ़ी एज भी हो जाती है उस टाइम पे, मतलब 30, 35, 30 या 29 या उसकी भी ज़्यादा हो जाती है। या फिर दूसरी बात मैं करूँ कि जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, एक एज का क्राइटेरिया होता है ना, आपके जो मुख्यमंत्री बनने के लिए क्राइटेरिया होता है, हर चीज़ के लिए क्या होता है क्राइटेरिया होता है। मतलब कहने का मतलब कि जो बहुत ज़्यादा टीनेजर जो एज होती है, 18 वाले 19 वाले 25 वाले, तो इन लोगों को जो है इतनी जल्दी ऐसे पदों पर बिठा नहीं दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है ये लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, स्मार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो एज आ जाती है 35 के जो बाद जो एक मैच्योरिटी आती है एक पर्सन में, तो वो ये सारी चीज़ें करना सब भूल जाता है। जो भी डिसीजन लेता है नैतिकता के हिसाब से जो है डिसीज़न लेता है, या सोच समझ कर चारों मतलब हर चीज़ों को तोल मोल के ही डिसीजन वो लेता है। उसी तरीके से जो जो कुंवर है जो लोग होते हैं वो कैसे होते, बहुत बेताब होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उनको संभालने वाले कोई नहीं होते। तो कुंवर जो लोग होते वो क्या होते, बेताब होते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, तो वो लोग एकदम फ्री होते हैं, फ्री माइंड से भी बिल्कुल फ्री होते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का जो है प्रेशर नहीं होता। लेकिन जो एक मैरिड पर्सन हो जाता है उसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती, वो अपने आप ही जो है मैच्योर हो जाता है। तो ये लोग इसीलिए इनको राष्ट्रपति पद पर या किसी भी चीज़ के पद पर एक 35 के बाद ही बिठाया दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है। तो देखिए याद रखना कि बेतवा नदी कहाँ से निकली, आपकी जो है कुमार गांव से बेतवा नदी आपकी निकली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने कोशिश करी लिंक करने की, आई होप कि हमको समझ में आया होगा। चलिए इसका थोड़ा हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये तो बहुत छोटी सी ट्रिक थी, लेकिन जब चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में जब चीज़ें पढ़ेंगे तो बहुत ऐसे लिंक कर करके पढ़ाएंगे, मजा आएंगे आप लोगों को। ठीक है, देखिए बेतवा नदी आपके जो है कहाँ से निकली बेटा? रायसेन कुमार गांव से निकली। कौन से? कुमार गांव से। कुमारे लोग कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेताब हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी से, है ना। तो यह जो आपकी क्या रहेगी ट्रिक रहेगी याद करने की, क्योंकि हमको याद तो करना है ना। देखिए बेतवा नदी आपके कुमार गांव से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई आपकी कितनी बेटा? 480 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी? 480 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी बेटा? पांचवी सबसे बड़ी नदी है। और बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा बोला जाता है। किसको बेटा? बुंदेलखंड की जीवन रेखा इसको बोला जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पिकअप हो गया कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे बोला जाता है, तो बेतवा जो नदी आपकी इसे ही क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा बोला जाता है। और अधिक प्रदूषण के कारण से मध्य प्रदेश की गंगा भी बोला जाता है। भैया प्रदूषण के आधार पर मतलब ये नदी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी है। ठीक है, तो ये जो मध्य प्रदेश की गंगा, इसे बेतवा को जो बोला जाता है। ठीक है,
नदी के किनारे कंचन घाट पर स्थित घाट पर वीर सिंह बुंदेला की ऐतिहासिक छतरी है जो कि 3 मंजिला बनी हुई है। याद रखना ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, उसको सिर्फ और सिर्फ एक हैंड चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। तो वो आपसे जो है पूछ लेंगे कि कौन से घाट पर वीर सिंह बुंदेला की छतरी बनी हुई है, तो कंचन घाट है। कौन सा बेटा? कंचन घाट पर जो है आपके वीर सिंह बुंदेला की जो है छतरी बनी हुई है जो कि 3 मंजिल है, ठीक है। और जो इसके सहायक नदी है वो क्या, आपके जामनी, बीना। बीना कहाँ से मिलेगी बेटा? सागर से मिलती है। धसान आपकी रायसेन से मिलेगी। धसान कहाँ से मिलेगी आपकी? रायसेन से मिलेगी। हलाली आपकी विदिशा से मिलेगी, ठीक है। तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट कि कैसे कैसे जो नदियाँ लिंक होती है और आपस में मिलती है। तो यहाँ से बुंदेलखंड की जीवन रेखा आपकी बेतवा नदी हो गई, और जो है आपकी कंचन घाट यहाँ पर स्थित है, वीर सिंह बुंदेला की जो है छतरी यहाँ पर बनी हुई जो कि 3 मंजिला है। और जो है देखिए यहीं से ही आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो है उठकर आएंगे ही आएंगे ऐसे ही टॉपिक से, ठीक है दोस्तों। आया समझ में आप लोगों को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेतवा नदी के बारे में मैप। मैंने हर चीज़ में, जैसे मैं अभी आपको झरने पढ़ाऊंगी ना, जलप्रपात सारे, जलप्रपात के लिए भी मैं आप लोगों के लिए झरने लेकर आई। मैं आप लोगों के लिए जब परियोजना पढ़ाऊंगी तो परियोजना के लिए भी मैं आपको जो डैम बना हुआ वो सारे डैम में लेकर आई, चाहे वो साइकोप्लियन डैम हो, सबसे पुराने से पुराना डैम हो, सारे डैम मैं आप लोगों के लिए लेकर आई, ताकि आप लोग जब विजुअलाइजेशन कर लेंगे तब कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कुमारगांव से मैंने बोला आपकी बेतवा नदी निकलती है, बहते हुए जाती है ये, ठीक है। यहाँ पर ओरछा की तरफ, छतरपुर की तरफ बहती है, और बहते हुए जो है आपकी यमुना में ये नदी मिल जाती है, देखिए यहीं तक ही बहती है, बहते बहते फिर कहाँ मिल जाती है आपके यमुना में जो है मिल जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम होती है? आपकी जो सिंध नदी है कौन से जिले से उद्गम होती है? देखिए ABCD हमारे पास क्या दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। ABCD हमारे पास क्या ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा विदिशा। राइट आंसर क्या होगा? हमारा विदिशा होगा। देखिए सिंध नदी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए नदियों से। नदियों तो फेवरेट रहा है, क्योंकि नदियों के किनारे बसे हुए शहर के बारे में पूछता है, नदियों पर बनी हुई परियोजनाएं पूछता है, नदियों की सहायक नदियां कहां से निकलती वो आपसे पूछा। तो अपने को इसमें लोड ही नहीं लेना है, क्योंकि जो पूछा है वो तुमको पढ़ा नहीं है, और इससे ज़्यादा पीढ़ी पर हमको पढ़ना है। चलिए सिंधु नदी का उद्गम आपके कहां से हुआ बेटा? विदिशा जिले से सिरोंज के निकट हुआ। कहां से हुआ बेटा? विदिशा जिले के सिरोंज से निकट हुआ। जब आप लोगों को जब चैप्टर वाइज लेकर आऊँगी तो जो है कौन सा पर्वत, कौन सा जिला और कौन सा कुंड, कौन सी बगिया, A to Z हर पॉइंट में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। चलिए तो आपके विदिशा जिले के सिरोंज से निकलती है, या गुना शिवपुरी और दतिया और भिंड जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा में मिल जाती है। देखिए अभी हम लोगों ने इसके पहले जो देखा था मैप इसका, है ना, तो ये आपका का मतलब गुना शिवपुरी और दतिया और भिंड यहीं पे, मतलब ये ऊपरी जो उत्तरी वाले जो आपके जिले हैं इन्हीं जिलों में होते हुए ये नदी कहाँ जाती है बेटा? यहाँ से निकलती है नदी, इन्हीं जिलों में होते हुए ये कहाँ मिल जाती है? इटावा से जो आपके किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के इटावा के पास ब्यावरा में यहाँ मिल जाती है। कुल लंबाई कितनी इसकी? 470 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 470 किलोमीटर है। या गुना को 2 बराबर भागों में बांटती, किसको? गुना को 2 बराबर भागों में यह नदी बांटती। तो क्वेश्चन यहाँ से एक और बन गया कि गुना को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? तो जैसे कि हमारा बुरहानपुर हम लोगों ने भी पढ़ा था, है ना, कि बुरहानपुर को जो नदी भागों में बांटती है, उसी तरीके से जो ये सिंध नदी है ये आपकी किसको? गुना को कितने भागों में बांट रही बेटा? 2 भागों में जो है ये नदी आपकी इसको बांटेगी, ठीक है। और जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन सी आपकी? कुंवारी, पहुँच। देखिए अभी लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम था आपका MPSI का एग्ज़ाम था, MPSI का भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड लेवल है एग्ज़ाम का, तो उसने ये नदी पूछी थी कि पहुँच नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। अब ये जो कॉमन नदी इनके बारे में नहीं पूछता, वो अब जो क्वेश्चन का पैटर्न उसने बिल्कुल चेंज कर दिया, कभी कभी पूछ लेता कि सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ, ठीक है। तो ये रही इसकी सहायक नदियाँ, कुंवारी, पहुँच और मऊ। जब वो चैप्टर वाइज लेकर आऊँगी तो हम सारी डिटेल पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है? ये वाला इतना प्यारा क्वेश्चन है
बहुत सारी एग्जामों में इवन कौन बनेगा करोड़पति में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और रिपीट होता है हर एग्जाम में, रिपीट ही होता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। ABCD हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो राइट आंसर होगा हमारा माही नदी। लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि जो माही नदी होती है वो कर्क रेखा को दो बार काटती। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि देखिए डिस्क्रिप्शन जो आपको देती हूँ उसी में से ही क्वेश्चन जो है आपके बनकर आते हैं एग्जाम में, और ज़रूरी होता है पढ़ना, ठीक है। चलिए देखिए, माही नदी का जो प्राचीन नाम था उसको पृथ्वी की पुत्री बोला जाता है। किसकी? पृथ्वी की पुत्री इनको जो है बोला जाता है। जिस तरीके से ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री बोला जाता है, उसी तरीके से इनको भी जो है पृथ्वी, जो आपकी माही नदी, इसको पृथ्वी की पुत्री बोला जाता है। आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो है आपका आपका जो राजस्थान क्षेत्र आता है, राजस्थान क्षेत्र में ये नदी जो बहती है, यहाँ पर आदिवासी लोग एक पर्व बनाते हैं, एक मेले मेला का एक उत्सर्जन वहाँ पर करते हैं, मेला एक बनता है वहाँ पर, और मेले के लोग सब लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं इसी नदी के किनारे, ठीक है। यह जिले सरदारपुर तहसील के बिंडा गांव से निकलकर झाबुआ रतलाम से होते हुए, कहाँ से बेटा? आपका जो धार जिले की सरदारपुर तहसील है ना, सरदार झार जो जिला है इसकी, सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से निकलकर झाबुआ रतलाम में बहते हुए, मतलब उत्तरी जो क्षेत्र में ऊपर की तरफ बहते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर कर जाती बेटा? ऊपर राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश कर जाती है, और राजस्थान के बांसवाड़ा में और डूंगरपुर जिले में बहती है। मतलब बांसवाड़ा राजस्थान का, सिर्फ दो ही राजस्थान के जो दो ही ऐसे जो जिले हैं जहाँ पर ये प्रवाहित होती है, बांसवाड़ा में और आपका जो डूंगरगढ़ ऐसे जिले में प्रवाहित होती है, और गुजरात में प्रवेश करके ये खंभात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है बेटा? आपका जो है गुजरात में प्रवेश करके जो ये नदी कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कुल लंबाई कितनी इसकी बेटा? 543 किलोमीटर कुल लंबाई है। और ये नदी कहाँ से बहती? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती। कहाँ बहती बहती बेटा? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती। यह नदी विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को क्या करती है बेटा? दो बार काटती है। और उजास क्या है? इसकी एक मुख्य सहायक नदी। कौन सी बेटा? उजास नदी इसकी मुख्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नदी बड़ी नदी है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? मुख्य नदी का नाम आ जाए, मतलब काफ़ी बड़ी नदी है ये, ठीक है, तो इसकी सहायक नदी है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के झाबुआ से शुरू होती, और ये जो उजास नदी ये कहाँ से मिलती है? इसमें आपका जो झाबुआ जिला है, झाबुआ जिले से ही ये अलीराजपुर झाबुआ जो आते हैं अपने इधर पश्चिम वाले जो जिले आते हैं वहीं से ही मिलकर ये नदी जो है आपकी उसमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आया हो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ ये वाला, कि माही नदी जो किसकी पुत्री कहा गया है? पृथ्वी की पुत्री इसको कहा गया है, और आदिवासी की गंगा इनको कहा गया है, क्योंकि बेटा जो राजस्थान जो क्षेत्र है यहाँ पर इस नदी पे ही एक मतलब मेला पर्व जैसा मनाया जाता है आदिवासियों का, ठीक है। और ये जो आपके धार जिले की सरदारपुर तहसील के जो धार जिला है उसके सरदारपुर तहसील का मिंड गाँव यहाँ से निकलकर झाबुआ और रतलाम में होते, मतलब ऊपरी ओर आपके झाबुआ और रतलाम में होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाते हैं। और राजस्थान में भी सिर्फ जो दो ही ऐसे जिले जहाँ ये बहती है, एक तो बांसवाड़ा है आपका और डूंगरपुर जिला, दो जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ही बहते हुए गुजरात में नीचे की तरफ आके, मतलब यूँ ऐसा कर्व बनाती है, ऐसा कर्व बनाते हुए बहती है, मतलब यहाँ से निकली राजस्थान में प्रवेश कर, आपके राजस्थान में प्रवेश करके फिर गुजरात में मिली। तो यहाँ देखिए एक बार जो है कर्क रेखा यहाँ पर काटेगी, और एक दूसरी बार कर्क रेखा, मतलब एक बार आपका कहाँ पर काटेगी? मध्य प्रदेश में काटेगी ये रेखा। क्वेश्चन अब ये आएगा आपका कि चलो मैडम हमको तो मालूम है कि भैया दो बार काट रही है, ये अपने इंदौरी वाले यही बोलेंगे, हाँ हमको तो मालूम है, आगे बताओ। तो आगे बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अब जो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कर्क रेखा को कितनी बार काटती, अब ये पूछेगा कि कर्क रेखा को भी कहाँ पर काटती है। कर्क रेखा एक बार तो काट दी मध्य प्रदेश में, एक और बार क्या दो बार मध्य प्रदेश में ही काटती है? जी नहीं, एक बार आपका काटेगी मध्य प्रदेश में, और एक बार आपका जो कर्क रेखा को काटेगी वो आपके राजस्थान में काटेगी, ठीक है ना। तो ये जो आपका क्वेश्चन रहा, और ये आपके झाबुआ से शुरू होती है ना, और झाबुआ से शुरू होती है ये जो उसकी उजास जो नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी बेटा? उजास सहायक नदी है, जो कि आपके झाबुआ से ही निकलती है और इसमें मिल जाती है। तो देखिए आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन बेटा, क्योंकि देखिए माही नदी से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ी अलग है ये नदी, ठीक है। देखिए ये रही आपकी माही नदी, ये मेहुर झील का भी जो है निर्माण करती है, क्या करती है? मेहुर झील का भी जो है आपका निर्माण यहाँ पर करती है। चलिए देखिए ये कर्क रेखा है, देखो कर्क रेखा को कैसे काटेगी, ये काट दिया ये कर्क रेखा, कर्क रेखा से निकली अपने यहाँ पर रतलाम से निकली, रतलाम सरदारपुर से निकली, बहती गई ये मेहुर झील का भी निर्माण करा इसने, ये बहती गई यहाँ से, भाई ये निकली इधर निकल गई, ये बांसवाड़ा आपका
है ना, बांसवाड़ा आपका, और यहाँ पर आए नीचे, और ये यहाँ पर ये खंभात की खाड़ी गुजरात में मिल गई। तो बेटा कर्क रेखा को मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा, अब जो लेवल आएगा क्वेश्चन का वो सिर्फ यही पूछेगा कि कर्क रेखा को कहाँ कहाँ काटती है। तो एक बार जो कर्क रेखा को काटेगी आपके मध्य प्रदेश में, और एक बार जो कर्क रेखा काटेगी कहाँ पे, आपके जो है बेटा राजस्थान में काटेगी। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, आपको आई हो समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं और ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चन बने, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मैं और नदी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, परियोजना लेकर आएंगे, हम लोग सिंचाई पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, और मेरी मेरी सबके आप लोगों के साथ सबके साथ दुआएं हैं, मेरी बहुत सारी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, गुड ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ में हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।